सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो और अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। अकेले रह लीजिए लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। बस संस्कार की बात है दोस्तों, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। आज का पंचांग 6 मार्च 2023 देर सोमवार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 4:17 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 12:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:09 से 9:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आज होलोकाष्टक का 8वां दिन है। ध्यान रहे इस साल होलोकाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन तक का होगा, क्योंकि इस साल यह दिन के प्रदोष काल में विशिष्ट यानी भद्रा का कारण होगा। इसके अगले दिन के प्रदोष काल में यानी कल होलिका दहन किया जाएगा। होलिकाष्टक का अंत होलिका दहन से होता है। होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है। वृषभ राशि 6 मार्च 2023 दिन सोमवार। अभी आप फ्रेश और विचारों से भरे हुए रचनात्मक मूड में हैं। इन विचारों को समूहों और क्लबों में दूसरों के साथ शेयर करें। किसी खास रिश्ते के समाप्त होने पर स्थिति को अच्छे तरीके और कूटनीति से संभालें। किसी भी निर्णय को लेते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। आपने जो परिपक्वता प्राप्त की है उसे आप दूसरों को अधिक देने और स्वयं कम लेने में विश्वास करते हैं। पुराने परिचितों से मिलने की संभावना है। किसी सलाह और परिवार के साथ जुड़े रहें ताकि जरूरत के समय सहायता मिल सके। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए ये जरूरी है। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे जो कि फायदेमंद भी साबित होंगे। कोई फंसा हुआ पैसा भी हासिल होने के लिए समय उचित है। गलत लोगों के साथ दूरियां होने से जीवन में शांति रहेगी। काम से ब्रेक लिया फिर जिस काम में मन लगता है केवल उस पर ध्यान देने की कोशिश करें। दिन के अंत तक सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, इस कारण आपका टारगेट पूरा होगा। पार्टनर संबंधी चिंता बढ़ सकती है। सेहत में आ रहे बदलाव पर ध्यान दें। सावधानियां, किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग लापरवाही की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान रखें। बात करती हैं लव लाइफ की। अचानक टूटा रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जल्दबाजी, खींचा जा रहा रिश्ता, जबरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहता। सिंगल है तो इस समय का पूरा मजा लें और अगर विवाह के इच्छुक है तो अभी थोड़ा इंतजार करें। परिवार और माता पिता के स्वास्थ्य अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन शुभ है। अपने साथी से दिल खोलकर बातें करें ताकि आप उन्हें साथ महसूस करा सके। संयम से काम लें और इसके बाद आप पाएंगे कि परिस्थितियाँ कितनी बदल चुकी है। मोहब्बत के इस प्यारे एहसास को दिल में छुपा कर ना रखें। बात करती है करियर की। किसी का बिछड़ना या धन की हानि आपके लिए अचानक टूटे सपने की तरह है। कार्यस्थल में आपकी रचनात्मकता कल्पना और विचारों से सराहना मिलेगी। मनोरंजन की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। याद रखें किसी भी कठिनाई को बिना किसी शिकायत के पूरा करना ही विजेता की निशानी है। आज कार्यस्थल पर नई परियोजनाओं और कार्यों की शुरुआत की संभावना है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं।
मार्केटिंग रणनीतियों, व्यापार योजनाओं और बिक्री योजना पर कार्य करने के लिए ऑनलाइन सहायता लें। दूसरों की सलाह से पहले ही योजनाएं बना लें ताकि आपकी क्षमताओं के बारे में अन्य लोग भी जानें। बात करती है सेहत की। गला खराश होने की वजह से कुछ बुखार जैसी फीलिंग रहेगी। लापरवाही ना बरतें और उचित इलाज लें। सर्दी खांसी की तकलीफ भी बढ़ सकती है, इसीलिए अपना ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।